सरकार की अनदेखी के कारण आज किसान परेशान है। भारत देश किसान आधारित है, जहां पर कोरोना जैसी महामारी के दौर में भी किसान ने अपनी जान जोखिम में डालकर सरकार के भंडारे भरे, लेकिन फिर भी सरकार किसान की ओर ध्यान नहीं दे रही है। विगत दो वर्षों से किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। फसलों का सही दाम न मिलने के कारण खेती अब घाटे का सौदा साबित हो रही है। इसी को लेकर भारतीय किसान संघ के बैनर तले दिल्ली में 19 दिसंबर को बड़ी तादाद में किसान एकत्रित होकर किसान गर्जना रैली का आयोजन करेंगे, जिसमें किसान हितैषी मांग सरकार के सामने रखेंगे। गुरुवार के दिन भारतीय किसान संघ के मालवा प्रांत अध्यक्ष राम प्रसाद सूर्य एवं प्रचार प्रसार प्रमुख गोवर्धन पाटीदार ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। 19 दिसंबर को जो किसान गर्जना रैली का आयोजन भारतीय किसान संघ तरफ से किया गया है, उसमें मालवा प्रांत के हजारों किसान वहां पर पहुंचेंगे। साथ ही हमारी जो सरकार से मांगे हैं, उसमें आज देश को किसानों के द्वारा प्रधानमंत्री जी को इस हालत में ला दिया है कि वो पूरे दुनिया को पालने की हिम्मत कर रहे हैं, लेकिन किसानों की हालत सब बदहाल है। इस कारण से हम सरकार से वहां पर हमारी मांगे हैं कि किसानों को लागत के आधार पर जोड़कर लाभकारी मूल्य दिया जाए, साथ ही आयात निर्यात नीतियों को सुधारा जाए और किसान के जो सामान उपयोग करने के हैं उन पर GST हटाई जाए और बीमा नीति में भी कई सारी समस्याएं हैं उसको सुधारा जाए। इस प्रकार के साथ में किसानों को अनुदान राशि भी भरपूर मात्रा में दी जाए, जिससे कि किसान खुशहाल हो और ये देश खुशहाल हो। कितने किसान उस बाहर रैली में पहुंचेंगे मध्य प्रदेश से? कम से कम 20,000 किसान तो मालवा प्रांत से पहुंचने की तैयारियां है। कोई रेल से जाएंगे, कोई है तो छोटी गाड़ियों से, कोई बड़ी गाड़ियों से, इस प्रकार सारी तैयारियां चल रही है और आगे कितनी बढ़ सकती है इसका हम आगे मालूम पड़ेगा 19 तारीख तक। कार्यक्रम स्थल का नाम? इस कार्यक्रम का नाम हमने अभी 22 तारीख को अपने भोपाल में किसान शंखनाद का नाम दिया था और इसका वहाँ पर हम किसानों की गर्जना का नाम दे रहे हैं। यदि शासन इस गर्जना को सुनता है तो ठीक है, नहीं तो आगे और हम बड़ी कार्रवाई करने को आतुर होंगे। रामलीला मैदान में, और ये दिल्ली में रामलीला मैदान पर कार्यक्रम रखा गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।